गांव का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब उस गांव में जल संरक्षण की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही तालाब भी सही से बनवाए जाए व लोगों को सरकार की सारी योजनाओं का लाभ दिया जाए और गांव में स्वच्छता का ख्याल रखा जाए और कूड़े के निस्तारण की भी योजना गांव स्तर पर होनी चाहिए। उक्त उद्रगार जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने विकास खंड के गांव मलाव के पंचायत भवन में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर हुए कार्यक्रम में बोलते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मलाव गांव को आदर्श गांव पंचायत होनी चाहिए और किसी गांव का विकास तभी हो सकता है जब उस गांव में जल संरक्षण और कूड़ा के निस्तारण की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि गांव में बरसात के पानी का संरक्षण होना चाहिए, गांव में जो भी पानी हो उसको संरक्षण करने के लिए चारों ओर तालाब हो जिसमें कि सारा पानी आ सके और इसके लिए गांव में कार्य योजना बनाकर काम करें। इसके साथ ही गांव को स्वच्छ रखें और जो भी कूड़ा हो उसके निस्तारण करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि गांव में गंदगी ना रहे। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि गांव के विकास के लिए जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको सभी पात्र लोगों तक पहुँचाएं और पंचायत भवन में गाँव के लोगों के बैठने की सारी व्यवस्था करें और गाँव के लोगों के सारे काम भी यहीं से कराए। बैठक में जिला विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और जिले के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत बनाइए नंबर एक, यहाँ जल संरक्षण में विशेष रूप से काम करिए, वर्षा के जल का एक एक बूंद उपयोग हो इसकी कोशिश करिए, खेत का पानी खेत में और चारों तरफ तालाब बनाइए ताकि पूरा जल संरक्षित हो, नंबर एक। नंबर दो, साफ सफाई में विशेष ध्यान रखिए, साफ सफाई से एक तो रोग कम होंगे, दूसरा जो कूड़ा निकले उसके डिस्पोजल की व्यवस्था भी बनाइए। आगामी पीढ़ी के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक है, जल संरक्षण और कूड़े का डिस्पोजल, इस पे हमें काम करना होगा।